अभी सेल प्रैक्टिस 1J सॉल्व करेंगे। तो 1J में देखो, अभी आप 1J में वर्ड प्रॉब्लम दिया है तो वो हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन 1 में राहुल रोड इज अ मोटर बाइक 25,750 किलोमीटर इन फर्स्ट ईयर। तो यहाँ पे रोड मतलब क्या, चलाना, ठीक है। बाइक पे राइड करते हैं ना, तो वही तो चलाना, ठीक है। तो राहुल ने उसकी जो मोटर बाइक है वो पहले ईयर में 25,750 किलोमीटर चलाई, फिर 20,675 किलोमीटर सेकंड ईयर में चलाई, एंड 23,928 किलोमीटर इन अ थर्ड ईयर, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर्स इन ऑल ही रोड इन द 3 ईयर्स। तो उसने पूरे 3 ईयर्स में बाइक जो है वो कितनी किलोमीटर चलाई, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, तीनों का प्लस करना है हमें, फिर तीनों का प्लस, क्योंकि टोटल मिला के बोला है ना, टोटल मिला के कितनी चलाई बाइक, तो तीनों का प्लस करेंगे और फिर आंसर। तो तीनों का अगर प्लस किया तो मीन्स आंसर, अभी आप ऐसा ही करो सॉल्व। देखो यहाँ पे 25,750 प्लस 20,675 प्लस 23,928, ठीक है। इसका प्लस क्या कितना आएगा, 3 1 कैरी 15 1 कैरी 23 2 कैरी 10 1 कैरी 7 मीन 70,353 किलोमीटर जो उसने 3 साल में बाइक जो है वो चलाई है, ठीक है। तो यहाँ फिर लिखना है हमें देयर फोर, तो आपने लिख लेना देयर फोर इन ऑल, इन ऑल। तो क्वेश्चन में ऐसा पूछा है वैसा भी लिखना, देयर फोर इन ऑल ही रोड, देयर फोर इन ऑल, इन ऑल 70,353। जैसा क्वेश्चन में दिया ना वैसा फिर आपने लिखना है आंसर, 53 किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर्स ही रोड इन 3 ईयर्स। ही रोड इन 3 ईयर्स, ठीक है। तो इसका आंसर इतना होगा, ठीक है। मतलब आपने जो नंबर दिया उसका प्लस करना और फिर उसका आंसर। और वैसे ही अब देखो आगे जो है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क के लिए है। इसमें अगर नया हमें प्रियंका ओपन अ बैंक अकाउंट विद डिपॉजिट ऑफ ₹10,000। तो प्रियंका ने बैंक अकाउंट ओपन किया है, ठीक है, जिसमें उसने इतने रुपये डिपॉजिट किए। इन द फॉलोइंग मंथ शी डिपॉजिटेड, और उसके बाद फिर उसने 8,425 डिपॉजिट किए, फिर 19,766 डिपॉजिट किए, फिर 15,238 जो है वो डिपॉजिट किए। शी डिड नॉट मेक एनी विदड्रॉल, तो उसमें से उसने किसी कुछ भी पैसे निकाले नहीं है, ठीक है। हाउ मच वॉज द फाइनल बैलेंस इन आवर अकाउंट, तो उसके अकाउंट में टोटल मिला के फाइनल बैलेंस कितना होगा। मीन्स आपको करना क्या होगा कि ये जो नंबर्स है, चारों नंबर्स, इसका क्या करना है आपको, सबको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो नंबर दिए उसका प्लस करना है, और प्लस करने के बाद जो आंसर होगा ना, ठीक है, जो आंसर होगा वो प्लस कर लेना आपने, और जो आंसर है ऐसा लिख लेना।
जो आंसर आएगा ना प्लस का आंसर, वो यहाँ पे हाउ मच की जगह लिखना है, हाउ मच की जगह नंबर लिखना है यहाँ पे, और फिर लिखना वॉज द फाइनल बैलेंस इन हर अकाउंट, याद रखिए ठीक है। मीन्स पहले ये चारों जो है ना नंबर, ये और ये नंबर, इसका प्लस कर लेना, प्लस करने के बाद जो आंसर आता है वो यहाँ पे लिखना, यहाँ पे लिखना आंसर, और फिर वॉज से लेके, वॉज से लेके यहाँ से वॉज आंसर लिखना, या फिर रुपीज़ देना रुपीज़, ठीक है रुपीज़ या नंबर लिखना, फिर वॉज द फाइनल बैलेंस इन हर अकाउंट, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करना है।